विशेष संवाद केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में बताया कि महाराष्ट्र के चांडी गांव में 31 मई 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर हमेशा अपने राज और प्रजा के हित में कार्य करती थीं। अपनी रणनीतिक कुशलता, शासन पद्धति और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण उन्हें लोकमाता के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीथ ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी थी। विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ध्येय मार्ग के 2024 के विशेषांक जो पूर्णतया अहिल्या देवी होलकर पर केंद्रित है का लोकार्पण 7 अक्टूबर 2024 को रामगढ़ ताल तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार वाहक दत्तात्रेय होसबले मुख्य अतिथि होंगे और गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने कहा, 7 अक्टूबर को सायंकाल 6:45 बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। तो अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में जो एक विश्व संवाद के दबाव चल रहा है, उसकी ओर से एक विशेषांक का प्रकाशन किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई, चूंकि उनका क्षेत्र जो है मालवा था, मध्य प्रदेश था, इस क्षेत्र के लोगों को उनके बारे में पूरी सूचनाएं मिले, जानकारी मिले, उनका जो राष्ट्रीय अवदान है उससे लोग परिचित हों, क्योंकि हम लोग पथ प्रातः स्मरण में उनको लोक माता कहते हैं। तो उस बड़े फलक पर उनका व्यक्तित्व समाज में जाए, प्रेरणा का स्रोत बने, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, इस उद्देश्य को लेकर के विश्व संवाद केंद्र ने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। हमारे प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, जो हिंदी विभाग के यहाँ आचार्य थे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे, हमारे संपादक उसके हैं। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह हमारे विश्व संवाद न्यास के सचिव हैं। इस दृष्टि से कार्यक्रम हो रहा है और बड़ा सौभाग्य हमारा यह है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा जो ऊपर से क्रम में दूसरे पर आते हैं, सरसंचालक के बाद सरकारवा आते हैं, उनका प्रवास हमारे प्रांत में चल रहा है, उनका समय हमको प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति पूनम टंडन भी रहने वाली है और भी गणमान्य लोग पूरे प्रांत से यहाँ रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक माता देवी अहिल्याबाई के जीवन को लेकर के समाज में एक नया जागरण का क्रम शुरू होगा। उनके जीवन क्रम को लेते हुए प्रत्येक पाठक जिज्ञासु लेकर के आगे जाएगा और प्रत्येक जिले में जहाँ जहाँ भी हमारा संघ का कार्य है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छोटे संस्थान, सभी जगहों पर एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। 31 मई 2024 से लेकर के 30 मई 2025 तक का ये वर्ष जो है शताब्दी वर्ष के रूप में है उनका, और किसी 300वीं शताब्दी है, 300वीं वर्ष है ये। तो इस दृष्टि से एक शुरुआत हो रही है ये। हमें लगता है कि पूरे देश में कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन हमारे इस गोरखपुर ने, गोरख प्रांत ने एक बड़ी पहल किया है कि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी हमने आयोजित किया है ताकि वर्ष भर के समय में हमारे पाठकों को अच्छी सामग्री मिले और जो केंद्रीय प्राधिकारी हैं उनके जो संस्मरण है, उनके जो उनके संबंध में जो पृष्ठभूमि है, वो प्रत्यक्ष रूप से उनको सुन सकें, देख सकें, कर सकें। इसमें आप सब लोगों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि पूरे देश में चीज जानी है। तो एक पहल गोरखपुर ने किया विश्व संवाद केंद्र ने, इस दृष्टि से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।